गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं. सो वेलकम बैक टू प्रीति की दुनिया. और आज इस संडे और परीक्षा की डिमांड पर, यानी मेरी लाडो की डिमांड पर बन रहा है आज व्हाइट सॉस पास्ता. उसने बोला है, मम्मा मैं जब तक अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ तब तक आप व्हाइट सॉस पास्ता बनाओ. तो पता नहीं क्यों बच्चों को व्हाइट सॉस पास्ता इतना पसंद है. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बनाना और आपके साथ भी शेयर करती हूँ रेसिपी, बिकॉज बहुत टेस्टी बनता है घर पर मैं जब भी बनाती हूँ. ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड नाउ. यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले 2 बड़े गिलास पानी. जी हाँ, पानी आप ना अपने पास्ता के क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं कि आप कितना पास्ता बनाने वाले हैं. ठीक है, तो 2 बड़े गिलास मैंने इन्हें गर्म करने के लिए रखा, ऊपर से पास्ता डाल दिया है. अब इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे. जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम तैयार करते हैं व्हाइट सॉस. पैन जब गर्म हो जाए तो इसमें मैंने डाला है बटर. हाँ जी, मैंने येलो वाला बटर डाला है 1 बड़ा चम्मच. एंड इसमें ऐड कर रही हूँ, जो मतलब मेरे को सबसे बेस्ट थिंग लगती है वो ये है कि यहाँ पे वैसे मैदा जाता है बट मैं मैदा नहीं डालती हूँ. मैं यहाँ पे हमेशा ऐड करती हूँ आटा, यानी गेहूँ का जो आटा होता है, व्हीट फ्लोर. इस पास्ता भी मैदे का होता है और हर चीज़ मैदा मैदा, तो इसलिए मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था आटा डाल के, बहुत टेस्टी बना था और कोई भी फ्लेवर में चेंज नहीं आया था, तो मैं तब से आटा ही डालती हूँ. अच्छे से भून लीजिए हल्का, जब तक ब्राउन होता है. उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूध डाला है और दूध को अच्छे से आपने चलाना है ताकि उसमें किसी भी तरीके की लंग्स या गांठें ना पड़े. और अच्छे से चलाने के बाद इसमें मैं ऐड ऑन कर रही हूँ ब्लैक पेपर. जी हाँ, ब्लैक पेपर का जो फ्लेवर है वो अच्छा आता है इसमें. साथ ही पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं. और यहाँ पे ऑरेगानो मैं डाल रही हूँ बिकॉज मेरी बेटी को ऑरेगानो का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है. ऑरेगानो मुझे लगता है व्हाइट सॉस पास्ता में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. जो चीज़ी और क्रीमी चीज़ें होते हैं उसमें ऑरेगानो का बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है. यहाँ पे मैंने खूब सारी घिसी हुई चीज़ डाल दी. अगर आपको बहुत अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आप चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें. आप चाहे तो क्यूब्स भी डाल सकते हैं, चाहे तो स्लाइस भी डाल सकते हैं, बट मैं घिसने वाली यहाँ पे ऐड ऑन करती हूँ. उसके बाद अच्छे से इसे चलाना है और हमारा जो सॉस है वो रेडी है. अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. ये जो पास्ता है ये भी अच्छे से रेडी हो चुका है, बॉईल हो चुका है. एंड अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो पैन गर्म करने के लिए रख दिया है, फिर से 1 बड़ा चम्मच घी डाला है. एंड इसमें डालेंगे हम सब्जियां सौते करने के लिए. तो सबसे पहले यहाँ पे चॉप्ड कटी हुई मैंने यहाँ पे गार्लिक यानी लहसुन डाल दी है. लहसुन को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हर चीज़ को थोड़ा सा सौते करना है बस. उसमें मैंने डाल दिया है चॉप्ड करे हुए अनियन. चॉप्ड भी मतलब बहुत ज़्यादा चॉप्ड नहीं करना है आपने, हल्की सी क्यूब से रखनी है आपने. क्यूब करे हुए मैंने यहाँ पे कैप्सिकम डाल दिया यानी शिमला मिर्च. आप इसमें गाजर, ब्रोकली और मशरूम भी ऐड ऑन कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बट प्रीशा को वेजीज कम पसंद है चीज़ पास्ता में, तो इसलिए मैं कम डालती हूँ. और अब हल्के से हमने 1 मिनट इन्हें सौते करना है, बहुत ब्राउन नहीं करना है. और हल्का सा नमक ऐड ऑन कर लिया है. ठीक है, अब इन सारी अब मैंने पास्ता भी ऐड कर लिया है, तो अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे और ऊपर से डालेंगे हम सॉसेस को. जो सॉस रेडी हो चुकी है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी बनाई हुई सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं या गर्म करा हुआ दूध भी डाल सकते हैं. अगर दूध डालेंगे तो बहुत टेस्टी होगा. तो इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इतनी सॉस इनफ है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए. और बहुत टेस्टी ये बनता है, बिलीव मी. अब इसके ऊपर से हम दोबारा से ब्लैक पेपर डालेंगे. ब्लैक पेपर का फ्लेवर अच्छा जाता है. और ऊपर से थोड़ा सा आप ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं. पे मैंने चिली फ्लेक्स को स्किप किया है. ठीक है, अब गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे इसे ऑरेगानो और ब्लैक पेपर डाल के. एंड बहुत टेस्टी बनता है गाइस, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट में कई बार आप व्हाइट सॉस पास्ता मंगाएंगे ना, हर रेस्टोरेंट में अच्छा नहीं बनता है. तो ये थी आज की व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी. आई होप आपको पसंद आई हो. पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. प्रीशा ने जल्दी से अपनी प्लेट उठाई और सुपर हैप्पी हो गई.